পদ্মা সেতু বাংলাদেশের লক্ষ্মীর ভান্ডার, ফুলে ফেপে উঠছে ওপার বাংলা। শেখ হাসিনার এই মাস্টার স্ট্রোকে ন মাসেই মালামাল সরকারের কোষাগার। 2029 সালে গিয়ে কিস্তি পরিশোধের পর মুনাফা করতে থাকবে সেতু বিভাগ। 2050 সাল নাগাদ পদ্মা সেতু থেকে মুনাফা হবে প্রায় 900 কোটি টাকা। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, মে হু এহসান খান, মে হু আলী মুর্তজা, আর আপ দেখ রহে হ্যায় হামারা ইউটিউব চ্যানেল এহসান রিয়াকশন উইদ এহসান। হাম উমীদ করতে হ্যায় আপ জাহাঁ ভি হোঙ্গে এনজয় করতে হোঙ্গে, মজে মে হোঙ্গে আর ফিট ফাট হোঙ্গে। আজ জুমাতুল মুবারক হ্যায়, আপ সবকো বহুত বহুত মুবারক হো। ভিউয়ার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া আর ইন্ডিয়ান মিডিয়া কি এক হামারে পাস রিপোর্ট হ্যায়, পহলে ও দেখেঙ্গে ফির উসকে উপর বাত করেঙ্গে, লেকিন হাম কুছ ওভারভিউ আপকো দে দেতে হ্যায়। ইন্ডিয়ান মিডিয়া কহ রহা হ্যায়, आपको पता होगा उस वक्त भी कहा था जब पद्मा ब्रिज बनने जा रहा था, कहा था ये नाकाम हो जाएंगे, ये जाल में फंस चुके हैं चाइना के, तो इससे कोई बड़ा फायदा नहीं पहुंचेगा बांग्लादेश को बिल्कुल, और पैसा सारा जाया हो जाएगा, ये इंडियन मीडिया कहता था। लेकिन अब चूंकि उसमें से जो रिजल्ट आ रहा है वो हैरान कौन है जी, बिल्कुल सबको सरप्राइज करने वाला है। जो उससे पैसा बांग्लादेश कमा रहा है उसने सबके कान खड़े कर दिए हैं जी, बिल्कुल। और अच्छा, एक वक्त था मुर्तजा रुकिएगा, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे, एक वक्त था जब बांग्लादेश ने पद्मा ब्रिज शुरू किया तो वर्ल्ड बैंक और जायका ने भी साथ छोड़ दिया, बिल्कुल। लेकिन वो तो एक अलग चीज है, बांग्लादेशियों ने खुद से बनाकर दिखाया दुनिया को, लेकिन इंडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा था कि ये नाकाम हो जाएंगे, ये ट्रैप में आ गए हैं चाइना के और ये पैसा जाया हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन व्यूअर्स आपको बता रहे हैं, ये वीडियो भी हमारे पास है, कि बांग्लादेश ने पहले 9 महीनों में, फर्स्ट 9 मंथ के अंदर 900 करोड़ टका कमा लिया है, अर्न कर लिया है इस शित्तु से, पद्मा शित्तु से, जी हाँ, इसके टोल टैक्स से, टोल प्लाजा से। तो ये कितनी बड़ी बांग्लादेश के लिए, वो कहते हैं ना वो लक्ष्मी, जी जी, वो इंडियन मीडिया कह रहा है कि जो लक्ष्मी, जी जी लक्ष्मी उनका एक वो है, भगवान है उनकी, वो माता है लक्ष्मी, हिंदू रिलीजन में होता है। वो कह रहे हैं कि पद्मा शित्तु नहीं है इनके पास, इनके पास लक्ष्मी आ गई है। हम तो लक्ष्मी पैसे को कहते हैं ना यहाँ पे, तो वो वहां पे लक्ष्मी देवी कहते हैं उसे, उसे मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ये तो एक मशीन है, मशीन आ गई है, पैसों की मशीन आ गई है बांग्लादेश के पास। और उन्होंने ये रिपोर्ट भी किया कि किस तरह से जो बांग्लादेश में ये पद्मा शित्तु बनाया गया, पद्मा ब्रिज बनाया गया, इसके ऊपर जो लागत आई है वो 30,000 करोड़ के करीब है। लेकिन एक 9 महीने में 900 करोड़ टका का बिजनेस कर लिया है। तो वो कह रहे हैं, जो वेस्ट बंगाल के इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि 2029 तक ये अपना जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, इन्होंने ये जो पद्मा शित्तु बनाया, इसका पैसा इन्हें वापस आ जाएगा, और जो बाकी कमाएंगे वो इनका भाई प्रॉफिट जाएगी, प्रॉफिट है गवर्नमेंट जी, गवर्नमेंट की प्रॉफिट है। ये देखे ना कितना बड़ा माइलस्टोन है बांग्लादेश ने जो अचीव किया है पद्मा शित्तु। अच्छा, अभी उसमें जो रेलवे है ट्रैक, वो इनॉगरेशन नहीं, जी जी बिल्कुल, अभी और वो उसकी ओपनिंग सेरेमनी अभी तक नहीं हुई, जब वो हो जाएगा तो उसका रेवेन्यू अलग से रख ले, बिल्कुल। यानी इतना बड़ा ये मैं कहता हूँ बांग्लादेश ने, और इसके साथ साथ एक इंडिया में भी बनाया गया था आसाम में, तो उसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक इंडियन मीडिया की वीडियो है, रिपोर्ट है, वो पहले वीडियो देखते हैं फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो देखने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं, 3, 2, 1 एंड क्यू। পদ্মা সেতু বাংলাদেশের লক্ষ্মীর ভান্ডার, ফুলে ফেপে উঠছে ওপার বাংলা। শেখ হাসিনার এই মাস্টার স্ট্রোকে ন মাসেই মালামাল সরকারের কোষাগার, আয় 603 কোটিরও বেশি, উন্নয়নে গতি আনতে, অর্থনীতিতে বিরাট পরিবর্তন ঘটাতে ঋণে ডুবে থাকা বাংলাদেশ যা করে দেখিয়েছে সেটাই ওদের অ্যাসেট। পদ্মা সেতু বাংলাদেশের কাছে এক নতুন ভোর, তাই নয় কি? গত বছর 25শে জুন পদ্মা সেতুর পথ চলা শুরু হয়, আর তারপর থেকেই ফুলে ফেঁপে উঠছে বাংলাদেশ সরকারের কোষাগার। এই সেতু চালু হওয়ায় একদিকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গতি এসেছে, অন্যদিকে এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে দেখার মতো। তাছাড়া ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ আরও সহজ হয়েছে এই সেতু চালু হওয়ার মাত্র 9 মাস অতিক্রান্ত।
এই ন মাসে পদ্মা সেতু বাংলাদেশের কাছে গেম চেঞ্জার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পদ্মা সেতু থেকে এর মধ্যে যে পরিমাণ টাকা বাংলাদেশের কোষাগারে ঢুকেছে তার রীতিমতো অবাক করছে সকলকে। টোল ট্যাক্স বাবদ প্রথম 30 দিনে আয় 76 কোটি টাকা। পদ্মা সেতু চালুর প্রথম 2 মাসে টোল আদায় 138 কোটি 44 লাখ 3,850 টাকা, 6 মাসে আয় 395 কোটি টাকা, আর 9 মাসে আয় হয়েছে 603 কোটি 76 লাখ টাকা। এই পদ্মা সেতু বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শুধু আমূল বদল আনেনি, সেতুর কারণে দ্রুত এলাকার উন্নয়নও হচ্ছে। তাছাড়া বাংলাদেশ দুযুগ আগে যে সেতুর পরিকল্পনা শুরু করেছিল, সেই পদ্মা সেতু উদ্বোধনের মাধ্যমেই দেশের দক্ষিণাঞ্চলের 1/3 জেলা রাজধানী ঢাকা এবং বাকি অংশের সঙ্গে সড়কপথে যুক্ত হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি হওয়ার ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা এখন অনেক সুবিধার। এক কথায় বাংলাদেশ জুড়ে একটা সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এই পদ্মা সেতুর জন্য। তবে 9 মাসে এইভাবে ফুলে ফেঁপে উঠবে বাংলাদেশের কোষাগার, তাও আবার একটা সেতুর জন্য, তা এক প্রকার কিন্তু অবিশ্বাস্যই ছিল। 2029 সালে গিয়ে কিস্তি পরিশোধের পর মুনাফা করতে থাকবে সেতু বিভাগ। 2050 সাল নাগাদ পদ্মা সেতু থেকে মুনাফা হবে প্রায় 900 কোটি টাকা। অনেকেই বলছেন ধীরে ধীরে এই সেতু আরো লাভজনক হয়ে উঠবে, আর ঋণ পরিশোধের পর মুনাফাও অনেক গুণ বেড়ে যাবে, কারণ 35 বছর পরে এই সেতুতে যানবাহনের সংখ্যা যেমন বাড়বে তেমনি টোলের হারও বাড়বে, তাই ভ্যাট এবং আয়কর সংস্কার ছাড়া আর কোনো ব্যয় থাকবে না। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তো আজকের পরিকল্পনা হয় যেমনটা হয়েছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। সত্যিই তো স্বপ্নজয়ের পদ্মা সেতু চালুর কয়েক মাসেই ভাগ্যের দুয়ার খুলেছে কোটি মানুষের। যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে যোগাযোগ ব্যবস্থায়। ভিউয়ার্স, আপনি এই ভিডিও দেখি হ্যায় কিস তরহ সে জনাব ও বতা রহে হ্যায় পদ্মা সেতু কে বারে মে, আর কাহা জা রাহা থা এক ওয়াক্ত থা কে পদ্মা সেতু কে উপর বাংলাদেশ পয়সা ওয়েস্ট কর রহা হ্যায়, লেকিন উনকো ক্যা পতা থা কি জো পদ্মা সেতু হ্যায় বহুত ডিপ হ্যায়, বহুত মুশকিল সে ওয়াহা পর ওয়ার্ক হো রহা হ্যায়। तो वो कह रहे थे कि जो असम के बारे में बताएं, जो वहां पे एक ब्रिज बना है। जी, असम के बारे में, असम में जो ब्रिज बना है वहां, वो उसकी जो लंबाई है उसकी लेंथ 9 किलोमीटर है, लेकिन वो 10,000 करोड़ टका की जो कॉस्ट आई है उसके ऊपर। लेकिन अगर बात करें बांग्लादेश के पद्मा सेतु की, तो ये 7 किलोमीटर का है, उससे 2 किलोमीटर इसकी कम लेंथ है, लेकिन इसके ऊपर लागत आई है 30,000 करोड़ टका। तो बांग्लादेश को कह रहा था इंडियन मीडिया, इंडिया कह रहा था, वेस्ट बंगाल रिपोर्ट कर रहा था कि भाई चाइना ने चूना लगा दिया है बांग्लादेश को, इतना महंगा तो काम होता नहीं है जितना किया है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यहाँ सेतु बनाना, यहाँ पे ब्रिज बनाना कितना डिफिकल्ट है, कितना डीप है जो पद्मा रिवर है, जिसे गंगा रिवर कहा जाता है इंडिया में, वो बहुत डीप है, और इसकी जो ज़मीन है वो बहुत नरम है, जिस वजह से बांग्लादेश ऑलवेज क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इस वजह से वो है जो अपने काम को सही तरीके से सर अंजाम दे पाता है, और आज उसका दुनिया में ये नाम भी। अच्छा, वो जब बना है उससे देखें तो एक तो वहाँ पर जो व्हीकल्स हैं, ट्रैफिक है, जी ट्रैफिक वो बहुत ज्यादा वहां से गुजर रही है बिल्कुल। और दूसरा, वहां से जो पैसा जनरेट हो रहा है टोल टैक्स से, टोल प्लाजा से, वो बहुत ज्यादा, जी बिल्कुल, बहुत सारा पैसा, ये इतना ज्यादा हो रहा है कि पहले 9 महीनों के अंदर 900 करोड़ टका कमा लिया है, तो ये मैं कहता हूँ बड़ी अचीवमेंट है बांग्लादेश। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी वीडियो थी बांग्लादेश के बारे में, और फिर स्पेशली पद्मा ब्रिज के बारे में। तो इसके बारे में व्यूअर्स आपने भी बताना है, ये वीडियो आपको कैसी लगी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।